कई बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम कर चुके केशव फुटपाथ पर गाना गाने को हुए मजबूर। 32 साल से नहीं मिला काम, ग्लैमर वर्ल्ड में नाम कमाना इतना आसान नहीं होता। हर दिन हजारों लोग एक चांस की तलाश में मायानगिरी आते हैं, किस्मत अच्छी हुई तो काम मिलता है, कुछ की काम की तलाश में चप्पलें घिस जाती हैं और वो खाली हाथ लौट जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक दो फिल्मों में जैसे तैसे काम मिल जाता है, लेकिन फिर लोग उन्हें भूल जाते हैं। ऐसे में उनके लिए मुंबई जैसे महंगे शहर में गुजर बसर करना भी मुश्किल हो जाता है। हाल ही में ऐसी ही एक शख्सियत सामने आई है जिसने बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया, लेकिन आज वो दो वक्त की रोटी के लिए सड़क पर अपनी कला का प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। इस काम के लिए उन्हें दिन भर के कुछ पैसे मिल जाते हैं। इस शख्स का नाम केशव लाल है। केशव ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे बड़े संगीतकारों के साथ काम किया है, साथ ही उन्होंने हेमंत कुमार के लिए गाना भी गाया है। केशव ने फिल्म पुरानी नागिन में दिए संगीत में हारमोनियम बजाया था। इस फिल्म के संगीतकार कल्याण जी आनंद जी थे। आज किस्मत उन्हें ऐसे मोड़ पर ले आई है कि वो अपनी पत्नी के साथ पुणे की सड़कों पर घूम घूम कर हारमोनियम बजा कर गाना गाते हैं। तेज गर्मी और कड़ाके की ठंड में भी वो इस काम को नहीं छोड़ते, इसी से उनका घर चलता है। केशव लाल पत्नी सोनी बाई के साथ पुणे के वारजे इलाके में रहते हैं। यहाँ एक एनजीओ ने उन्हें सरकारी पुनर्वास योजना के तहत एक कमरा दिलाया है। केशव पिछले 32 साल से फुटपाथ पर हारमोनियम बजाकर गुजारा कर रहे हैं। देश के लगभग सभी शहर घूमते हुए अब वो पुणे पहुँचे हैं। केशव कभी किसी से भीख नहीं मांगते, वो अपनी कला के बदले पैसे कमाते हैं। केशव ने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी उन्हें ऐसा दिन दिखाएगी। बच्चे शराबी निकले तो वो फुटपाथ पर गाने को मजबूर हो गए। केशव गुजरात के रहने वाले हैं। उन्होंने 10 साल की उम्र से ही अपने पिता मूलचंद के साथ हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया था। उनके पिताजी श्रीलंका के कोलंबो में जवानों का मनोरंजन करते थे। कुछ साल के बाद वो परिवार के साथ इंडिया आ गए। केशव मुंबई में फुटपाथ और जुहू बीच पर लोगों को गाना सुनाया करते थे। एक दिन केशव फिल्म स्टूडियो के बाहर हारमोनियम बजा रहे थे, तभी मशहूर फिल्म निर्माता वहीं शांताराम की नजर पड़ी। तब उन्हें पुरानी नागिन फिल्म में हारमोनियम बजाने का मौका मिला। इसके बाद उन्हें काफी काम मिलने लगा, पैसे भी मिलने लगे, लेकिन शादी के बाद वो नागपुर आ गए। फिर धीरे धीरे किस्मत ने भी साथ छोड़ दिया और उन्हें मजबूरन हारमोनियम लेकर फुटपाथ पर लौटना पड़ा। हाल ही में केशव अपनी पत्नी के साथ इंडियन आइडल के शो पर पहुंचे थे। शो में उन्होंने आवारा हूँ गाना गाकर बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। इसी बीच नेहा और विशाल ने उन्हें मदद के लिए 1,00,000 रुपए देने का ऐलान किया है। यहाँ केशव ने बताया कि संगीत ही उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखता है।